तो दोस्तों कल द प्रिंट नाम की पत्रिका जिसको चलाते हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने एक बयान छापा है जनरल बिपिन रावत का, आर्मी चीफ भारत के। उन्होंने ये कहा है अलीजिडली अकॉर्डिंग टू द प्रिंट के भैया जो औरतें हैं वो कॉम्बैट रोल्स नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्हें बच्चे पालने होते हैं। इसके बाद अभिसार शर्मा ने एक घटिया कमेंट कर दिया है जनरल बिपिन रावत की डिग्निटी के ऊपर। तो क्या ये सच है? हम आपको दिखाएंगे दोस्तों इस वीडियो में पूरा सच, जनरल बिपिन रावत का पूरा बयान और क्या छापा गया है और अभिसार शर्मा का वो बयान जिसमें उन्होंने डिग्निटी पर सवाल उठा दिए हैं एक प्रकार से जनरल बिपिन रावत की। देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों द प्रिंट में जो आर्टिकल छापा गया उसका शीर्षक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रिंट ने लिखा है कि भाई महिलाएं जो हैं वो कॉम्बैट रोल्स में नहीं जा सकती हैं क्योंकि उन्हें बच्चे पालने होते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल बिपिन रावत। इसको कोट करते हुए, जी हां प्रिंट को कोट किया है अभिसार शर्मा के द्वारा, उन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने ये बयान दिया है जनरल बिपिन रावत के बारे में जिसमें वो लिख रहे हैं कि भाई ये भद्र पुरुष, ये संस्कारी आदमी एक दिन संस्कारी पार्टी को जरूर ज्वाइन कर लेगा जैसे ही इसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, जैसे ही ये सेवानिवृत्त हो जाता है। तो ये एक तंज कसा है भारत की आर्मी चीफ के ऊपर जस्ट बिकॉज प्रिंट ने एक आर्टिकल छाप दिया। क्या ये सच था, क्या ये झूठ था, इसका भी पता नहीं किया अभिसार शर्मा ने और इस प्रकार का तंज कस डाला भारत के आर्मी चीफ पर। लेकिन हम आपको दिखाते हैं पूरा बयान जनरल बिपिन रावत का कि उन्होंने क्या कहा था और आप खुद से डिसाइड कीजिए। आई मेड अ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर इज कमांडिंग एन आरआर बटालियन, दिस टाइम देयर इज अ लेडी ऑफिसर इन कमांड। ओके, कैन अ लेडी ऑफिसर बी अवे फ्रॉम दैट कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 6 मंथ्स? नो। देन व्हाट हैपेंस? Do I now put a restriction on her to say that in that command tenure, you will not be given maternity leave? What do I do? Can I put that diktat? Aap bhalla shuru ho jayega. The combat role for women is a distant thing, as far as I'm saying. No, I'm not saying. It is, as of now, it is there. I'm just saying frontline combat where you get isolated, where there's a larger male population with you and where कॉन्टैक्ट विद द एडवर्सरी टेक। तो दोस्तों आपने सुना है जनरल बिपिन रावत का बयान, अभी वो बात कर रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में। उन्होंने एक सिचुएशन दी है कि यदि आप फ्रंट पर हैं, जी हां फ्रंट पर हैं यानी युद्ध क्षेत्र में हैं और वहां पर आप एक कमांडिंग ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है? वो एक यूनिट को पूरा कमांड करता है, वो एक यूनिट का पूरा इंचार्ज होता है, उस यूनिट का डिसिप्लिन, उस यूनिट की पूरी परेड से लेकर सारी स्थितियों का मुआयना करना, यदि युद्ध की स्थिति हो जाती है, यदि कोई अटैक होता है तो उसका जवाब देना, ये सारी स्थितियां कमांडिंग ऑफिसर को देखनी पड़ती हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में होता है, जो कि बैटल फील्ड में होता है एक प्रकार से, जैसे कि आप कश्मीर लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई लेडी कमांडिंग ऑफिसर है और वो प्रेग्नेंट है और उसको 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो वो दी जा सकती है या नहीं? इसका जवाब लेडी अंकर ने भी कहा कि भाई नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी होती है युद्ध क्षेत्र में, आपका कमांडिंग ऑफिसर यदि चला गया तो यूनिट का क्या होगा, यूनिट कैसे सर्वाइव करेगी, ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है। तो जो लेडी अंकर थी उसने भी इसका जवाब ना में दे दिया। आई मेड अ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर इज कमांडिंग एन आरआर बटालियन, दिस टाइम देयर इज अ लेडी ऑफिसर इन कमांड। ओके, कैन अ लेडी ऑफिसर बी अवे फ्रॉम दैट कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 6 मंथ्स? नो। अब बात आ जाती है कॉम्बैट रोल्स की। जैसे ही उस लेडी एंकर ने दोबारा से पूछा कि भाई क्या लड़कियां फिर कॉम्बैट रोल्स में आए ही ना क्या, तो उसके बाद सीधा स्पष्ट जवाब दिया है जनरल बिपिन रावत ने कि भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने नहीं कहा है, सुन लीजिए। तो कॉम्बैट रोल फॉर वुमेन इज अ डिस्टेंट थिंग, एज़ आई एम नॉट सेइंग, इट इज एज़ ऑफ नाउ इट इज देयर, आई एम जस्ट सेइंग फ्रंट लाइन कॉम्बैट वेयर यू गेट आइसोलेटेड, वेयर देयर इज अ लार्जर मेल पॉपुलेशन विद यू एंड वेयर कॉन्टैक्ट विद द एडवर्सरी टेक। अब देते हैं अभिसार शर्मा को जवाब, उन्होंने तंज कसा है जनरल बिपिन रावत के ऊपर जो कि भारत की एक प्रकार से शान है, भारत के आर्मी के चीफ हैं, उन पर तंज कसा है कि भाई तू तो संस्कारी पार्टी ज्वाइन करने वाला है एक दिन, जैसे ही तू सेवानिवृत्त हो जाएगा। संस्कारी पार्टी से आपका क्या मतलब है अभिसार शर्मा जी, हम सभी जानते हैं आप शायद बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो आपको इसी इंटरव्यू में जवाब दे दिया है जनरल बिपिन रावत ने, सुन लीजिए। So we will not see General Bipin Rawat enter electoral politics. No, you won't.
I think I answered this question earlier also in Hindi and English. चलिए हो गया फिर फ्रेंच में ही बात करते हैं। डाउट ना हो जाए किसी को। अच्छा ठीक है। दोस्तों एक आर्मी चीफ जो होता है वो देश की शान होता है क्योंकि वो उस पूरी आर्मी को लीड कर रहा होता है जो कि आपके प्रहरी हैं, जो कि बॉर्डर पर खड़े हैं, जिसकी वजह से ये देश सेफ है। अदरवाइज आज भी मोहम्मद बिन कासिम का समय हो सकता है, उस समय कोई भी घुसता था, लेकिन आज ये प्रहरी खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, इसलिए कोई घुसने का प्रयास नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रहरी वहां से हट जाते हैं तो आक्रांता किसी भी समय आ सकते हैं। जनरल बिपिन रावत इन प्रहरियों के चीफ हैं, वो एक डेकोरेटेड सोल्जर रहे हैं जिस कारण से वो इन सारे प्रहरियों के चीफ बने हैं। इन्हीं के कारण आज आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर पूरी बकैती पेलते हो अभिसार शर्मा जी। और अभिसार शर्मा जी एक सामान्य से यूट्यूबर होने के नाते आई डोंट थिंक यू हैव द अथॉरिटी कि आप भारत के आर्मी चीफ के ऊपर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाएं, वो भी बिना किसी अथॉरिटी के, वो भी बिना किसी फैक्ट चेक के। आपने फैक्ट चेक नहीं किए, उसके बाद भी आपने इस प्रकार का तंज कस डाला। लेकिन दोस्तों ये अकेला अटैक नहीं है जनरल बिपिन रावत पर। जनरल बिपिन रावत को कंपेयर कर दिया था जनरल डायर के साथ, जो कि जलियांवाला बाग का नरसंहार का कारक था, उसके साथ कंपेयर कर दिया था। यही नहीं, हर एक ऐसा रूथलेस डिक्टेटर जो दुनिया में सर्वाइव करके गया है उसके साथ कंपेयर कर डाला था द वायर ने। उसी जमात का है द प्रिंट और उसी जमात का है अभिसार शर्मा। ये क्या चल रहा है, भारत की आर्मी को एक प्रकार से डीमोटिवेट करने का प्रयास किस प्रकार से ये किया जा रहा है आप देख सकते हैं। आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सच लोगों को पता चल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ट्विटर और फेसबुक पर हम कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो यहां पर हम नहीं उठा पाते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें हमारी इंडिपेंडेंट खोजी पत्रकारिता में बहुत मदद करता है। आपका सपोर्ट वांछनीय है। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।